आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साई न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। लिमटी की लालटेन के 667वें एपिसोड में आज हम आपको लेकर चल रहे हैं देश के हृदय प्रदेश मध्य प्रदेश के मूर्तियों के शहर खजुराहो। खजुराहो वैसे तो मूर्ति कला के लिए बहुत प्रसिद्ध है। हमने इसके पहले भी आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में लिमटी की लालटेन में खजुराहो के अनेक मंदिरों के दर्शन कराए हैं। मंदिरों और मूर्तियों के लिए खजुराहो बहुत प्रसिद्ध है। आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में लिमटी की लालटेन का 667वां एपिसोड। खजुराहो में ब्रह्मा मंदिर से लगभग 200 मीटर दूर एवं बस स्टैंड खजुराहो से अगर आप जाना चाहें तो लगभग 1.5 किलोमीटर दूर जवारी मंदिर बहुत खूबसूरत मंदिरों में से एक माना जाता है। खजुराहो मंदिर के पूर्वी समूह के अंतर्गत आने वाले इस मंदिर का रखरखाव भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा किया जा रहा है। भगवान विष्णु को समर्पित जवारी मंदिर, जावरी या जवारी दूत नाम से पुकारा जाता है मंदिर, खजुराहो घूमने आने वाले पर्यटकों के बीच काफ़ी लोकप्रिय है। माना जाता है कि 1075 और 1100 ईस्वी के बीच निर्मित ये मंदिर प्राचीन खजुराहो की वास्तुकला को प्रदर्शित करता है। ऐसा माना जाता है कि मंदिर का नाम भूमि के नाम मालिक के नाम से लिया गया है, क्योंकि किसी भी हिंदू देवी देवता को ये उपाधि आज तक नहीं दी गई है। वास्तुकला की दृष्टि से एक छोटा मंदिर किंतु सुंदर निरंतर मंदिर माना जाता है, जिसमें एक गर्भगृह मंदिर मंडप पोर्टिको और वेस्टिबुल शामिल है। मंदिर का एक लंबा पोर्च जवारी या जावरी मंदिर का आंतरिक भाग उत्कृष्ट मूर्तियों से ढका हुआ है। ये संरचना चतुर्भुज शैली के समान ही मानी जा सकती है। कितना सुंदर प्रतीत हो रहा है। अंदर आपको भगवान विष्णु की प्रतिमा दिख रही होगी जो खंडित हो चुकी। वैसे बहुत सारी प्रतिमाएं यहाँ पर आक्रांताओं के द्वारा विध्वंस मचाते हुए तोड़ी गई थी। भगवान विष्णु का सर यहाँ आपको एकदम स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा होगा। ये आपको हम आप दिखा रहे हैं लिमटी की लालटेन के 667वें एपिसोड में। ये द्वार पर आप देख सकते हैं हाथी मगर आपको दिखाई दे रहे होंगे। किस तरह की सोच हुआ करती थी, किस तरीके का वहाँ पर उस समय कलाकृतियाँ हुआ करती थीं, ये देख सकते हैं चारों तरफ। यहाँ आपको ऊपर भी प्रतिमाएं मूर्तियां ही दिखाई दे रही होंगी। वैसे खजुराहो बहुत प्रसिद्ध है कामुक प्रतिमाओं के लिए। यहां पर कामुक प्रतिमाएं बहुत ज़्यादा तादाद में दिखाई देती हैं। आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में लिमटी की लालटेन का 667वां एपिसोड। जवारी मंदिर के गर्भगृह में भगवान विष्णु की चार भुजाओं वाली मूर्ति है, ये हमने आपको दिखाया, जो खंडित है, टूटी हुई है, सिर्फ विहीन है। गर्भगृह में प्रवेश के द्वार के शीर्ष पर नवग्रह मूर्तियां नवग्रह स्थापित हैं। नवग्रहों के साथ ही भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान शिव की मूर्तियाँ भी देखी जा सकती हैं। मंदिर की बाहरी दीवार पर मूर्तियों की दो पट्टियाँ हैं। मंदिर की दीवारों पर विभिन्न मूर्तियों में महिलाओं और पुरुषों को विभिन्न मुद्राओं में दर्शाया गया है। आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में लिमटी की लालटेन का 667वां एपिसोड। आसपास आप बसाहट भी देख सकते हैं और यहाँ पर जब आप प्रवेश करते हैं इस मंदिर में, प्रवेश के लिए आप जैसे ही जाते हैं तो यहाँ पर गंदगी से अटा रास्ता आपको मिलता है। वैसे ये अब हम आपको इस मंदिर को हम दिखा रहे हैं। ये है जवारी मंदिर, बहुत खूबसूरत यहाँ पर कलाकृतियाँ हैं। इसके साथ ही इसे पूर्वी मंदिर समूह का एक अंग माना गया है। ब्रह्मा मंदिर के बहुत करीब ये स्थित है और कितना ऊंचा शिखर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। भगवान विष्णु का ये मंदिर, हालांकि भगवान विष्णु की आदमकद प्रतिमा का सर जो है वो विहीन कर दिया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं प्रतिमाएं खंडित अवस्था में आपको दिख रही होंगी, जीर्णशीर्ण अवस्था में दिख रही होंगी। जो भी आक्रांता यहाँ पर आए उनके द्वारा यहाँ हमला किया जाकर इन प्रतिमाओं को तहस नहस करने का प्रयास किया गया।
ऊपर बादल आपको दिख रहे होंगे, कितना सुंदर नज़ारा, वास्तव में मन को मोह लेने वाला ये नज़ारा आपको यहाँ पर दिखाई देता है। पत्थरों पर उकेरी हुई मूर्तियाँ, वैसे भी मूर्ति कला के लिए खजुराहो बहुत ही प्रसिद्ध है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से खजुराहो को मूर्ति कलाओं का शहर माना जाता है। मूर्ति कला यहाँ पर, ऐसा लगता है मूर्तियाँ बोल पड़ेंगी, इस तरीके की प्रतिमाएँ यहाँ पर आपको दिखाई देती हैं। चारों ओर हरियाली भी आपको दिखाई दे रही होगी, और ये जो आपको हम नज़ारा दिखा रहे हैं, ये आने का मार्ग, आने का मार्ग कितना कच्चा और जीर्ण शीर्ण है, साथ ही यहाँ पर कचरा भी फेंका जाता है, कचरे से उठने वाली दुर्गंध निश्चित तौर पर पर्यटकों को परेशान करने के लिए पर्याप्त मानी जा सकती है। छतरपुर, जिला प्रशासन छतरपुर को चाहिए, खजुराहो में अनुभागीय अधिकारी बैठते हैं, उन्हें भी चाहिए, अनुभागीय अधिकारी राजस्व, कि वे इस मामले में ध्यान दें, क्योंकि ये देखिए पानी भी आपको भरा हुआ यहाँ पर दिख रहा होगा, पानी जगह जगह भरा हुआ आपको दिख रहा होगा, मच्छरों के पैदा होने के लिए उपजाऊ माहौल यहाँ दिख रहा है। देश विदेश के पर्यटक खजुराहो आते हैं, वे क्या छवि लेकर जा रहे होंगे, इस बात की परवाह छतरपुर के जिला प्रशासन, छतरपुर के अन्य जो प्रशासन है उनको करने की बहुत ज़रूरत है। सामने आप जो देख रहे होंगे, यहाँ कचरा आपको पड़ा हुआ दिखाई दे रहा होगा, जैसे ही आप ब्रह्मा मंदिर के पास से यहाँ मुड़ते हैं इस जवारी मंदिर के लिए, आपको कचरा, कचरे का ढेर सामने दिखाई दे जाएगा, और सड़क भी कितनी किस तरह की सड़क यहाँ पर है, जबकि हजारों लाखों करोड़ रुपए अब तक खजुराहो के विकास पर व्यय कर किए जा चुके होंगे। एक बार फिर हम जवारी मंदिर आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए लिमटी की लालटेन का 667वां एपिसोड आप देख रहे हैं, कितना सुंदर नज़ारा यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा, बहुत ही सुंदर कलाकृतियाँ, और पत्थरों पर जिस तरीके से नक्काशी की गई है वो अपने आप में अद्भुत अलौकिक मानी जा सकती हैं। किस तरह इन मंदिरों को आज से कितने हजार साल पूर्व इन्हें खड़ा किया गया होगा, 1100 ईस्वी के लगभग ये प्रतिमाएं, ये मंदिर यहाँ पर निर्मित किए गए बताए जा रहे हैं। देश विदेश से पर्यटक पहुँचते हैं, पर्यटक यहाँ पर आकर मूर्ति कला का आनंद लेते हैं। आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में लिमटी की लालटेन का 667वां एपिसोड। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में लिमटी की लालटेन अन्य खबरें पसंद आ रही हो तो आप इन्हें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि आपको ये सारी खबरें कैसी लग रही हैं। लिमटी की लालटेन का 668वां एपिसोड लेकर बहुत जल्द हाजिर होंगे, फिलहाल आपसे इजाजत लेना चाहेंगे। जय हिंद।